दोस्तों आज के इस वीडियो में हम HCF निकालना सीखेंगे भाग विधि से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको भाग विधि से HCF निकालना नहीं आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में ये जो विधि है आपका समय भी बचा सकती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि भाग विधि से HCF किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा सवाल है कि इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो सबसे पहले संख्याओं को लिख लेते हैं। तो क्या है, 161, ठीक है, और है हमारा 253, ठीक है, 161 और 253, इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को देखेंगे कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या देखिए, ये 253 बड़ी है और 161 छोटी है, तो हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से 161 से भाग लगाता हूं 253 में, ठीक है, ये हमने भाग लगाया, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए 161 से हमें 253 में भाग लगाना है। तो यहां पर देखिए 161 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक ही बार जाएगा, क्योंकि दो बार देंगे तो संख्या इससे ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पर देखिए 100 दुनी 200 होंगे और यहां पर 60 का डबल होगा तो वो 300 के लगभग हो जाएगा, ठीक है, वो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो भाग हमारा जाएगा एक बार, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 161, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तीन में से एक जाएगा, दो बचेंगे, पांच में से छह जाएंगे नहीं, एक उधार लेंगे, पंद्रह में से छह जाएंगे तो नौ बचेंगे, ठीक है, और यहां पर एक उधार लिया था, एक में से एक जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहां पर आ गया 92, यानी कि 92, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 92 से अब इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है, इसमें हमें यही करना होता है, जो शेषफल बचा है उस शेषफल से फिर भागफल को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, तो ये हो गया 161। अब 161 को हम 92 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब 92 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 161 आ जाए, तो 92 देखिए 100 के करीब है, अगर हम इसका डबल करेंगे तो ये 200 के करीब हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमें कितना है, 150 है, तो इसका भाग भी एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक, और यहां पर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 92 ही आएगा, फिर से घटाएंगे तो यहां पर उधार लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यहां पर एक उधार लिया था बचे 5, ठीक है। अब 15, यहां पर 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यानी 69 बचे, ठीक है। अब देखिए फिर भी यहां पर शेषफल बच गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 69 से 92 को डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 92, ठीक है। हर बार हमें यह करना है कि भैया जो शेषफल बचा है उससे भागफल को डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 69, ठीक है। अब फिर से घटाएंगे तो देखिए 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और यहां पर 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी 23 बच गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर सरका लेते हैं, अब 23 बच गया, अब हम 23 से भाग लगाएंगे 69 में, तो ये हो जाएगा 69, ठीक है। अब 23 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 69 आ जाए, तो हम 3 बार पढ़ेंगे तो 69 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 तिरका 9 और 3 दुनी 6, ठीक है, तो ये आ गया, और इससे पूरा पूरा क्या हो गया, ये कट गया। तो जिस संख्या से भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाए, वही संख्या क्या होती है, HCF होती है। तो हमारा इसका HCF कितना आ गया है, 23 आ गया है, यानी कि हमारा जो पहला सवाल है इसका आंसर कितना है, 23 है। तो देखिए कितनी आसान सी विधि है, अभी आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो नेक्स्ट सवाल को, यानी दूसरे सवाल को और देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको 100% समझ में आएगा, और उसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं हमारा, तो यहां पर पहला सवाल तो हम कर चुके, ठीक है, तो अब हम करते हैं दूसरा सवाल, तो इसको साफ कर देते हैं। चलिए दूसरा सवाल है हमारा 270, 270 और 405, ठीक है, 270 और 405 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या देख लो कौन सी है, बड़ी संख्या है हमारी 405, तो 405 में हमें भाग लगाना है छोटी संख्या, यानी कि 270, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 405 आ जाए, तो देखिए 270 है तो 200 का डबल करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 70 का डबल करेंगे तो वो 500 के लगभग पहुंच जाएगा, मतलब भाग इसका एक ही बार जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा एक, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 270,
चलिए अब हम इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो देखिए पांच में से जीरो जाएगा तो पांच ही बचेंगे, ठीक है। यहां पर जीरो में सात जाएंगे नहीं, एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा दस, दस में से सात जाएंगे तो कितने बचेंगे तीन बचेंगे, यहां से एक उधार लिया था यहां पर बचे तीन, तीन में से दो जाएंगे तो एक बचेगा, तो हमारा कितना बच गया 135। अब शेषफल हमारा 135 बच गया, ठीक है। जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक हमें हल करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कर देते हैं 135 से हमें 270 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए अब 135 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 270 आ जाए, तो यहां पर हम दो बार पढ़ेंगे तो 270 आ जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, पांच दुनी दस की जीरो, हाँ से ला जाएगा एक, इसके बाद में तीन दुनी छह और एक हो जाएगा सात, इसके बाद में दो एकम दो, ये आ गया दो एकम दो। चलिए अब घटाते हैं, तो घटाएंगे तो देखिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा यहाँ पर जो 135 आया है यही जो है हमारे इस सवाल का आंसर है, तो इसका HCF कितना होगा 135 होगा। तो देखिए दोनों ही सवालों को हमने भाग विधि से सॉल्व किया है, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।